कौमी नुमाइंदे आदाब सियासत भुला बैठे। इमरान खान पर तनकीद पर असेंबली के अंदर पीटीआई और नून लीग के अरकान में झगड़ा। बाहर मुराद सईद का जावेद लतीफ पर हमला, मुक्का दे मारा, एक दूसरे को गालियां। मुराद सईद कहते हैं असेंबली में मेरे लीडर को गालियां दी गई। फटीचर स्पीकर की आशीर्वाद से रेलू कटों ने ऐवान को यरगमाल बना रखा है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुराद सईद नाबालिग है, जावेद लतीफ का माफ करने का ऐलान। इमरान खान ने सियासत में अदब का कल्चर खत्म किया। उनकी तालीम ऑक्सफोर्ड की और जबान लंडे की है। दलाल चौधरी का पीटीआई वालों को तमीज सिखाने का ऐलान। स्पीकर ने लड़ाई का नोटिस ले लिया, फुटेज तलब। क्या अवामी नुमाइंदे ऐसे होते हैं? अवाम अरकान असेंबली के बचगाना रवैयों पर हैरान। ऑपोजिशन लीडर ने भी मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में भी ऑपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती रुकन नादर मगजी का डिप्टी स्पीकर को तहम्मुल का मशवरा। शहला रजा बोली, कोई कुछ कहे, ऐवान के कवायद और जवाबत के मुताबिक चलेंगे। इमरान खान सियासत के रेलू कटे हैं, लगता है परवेज खटक की भी छुट्टी होने वाली है। राणा सनाउल्ला के बाद कहते हैं पख्तूनों को खौफजदा करके पीटीआई करप्शन पर पर्दा डालना चाहती है। सिंध में सड़कें, मोटरवे और अस्पताल बनाएंगे, बिजली भी देंगे, वजीर आजम का ठट्टा में जलसे से खिताब। कराची में गवर्नर और वजीर आला सिंध से मुलाकात, सानहा सेवन पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों में दो बर्स की तौसी पर तैयार। सेशन जज बिठाने की तजवीज से भी दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी की दो तजावीज पर इत्तफाक, कल कौमी असेंबली में बिल पेश करने का फैसला। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज का हॉटलाइन पर राबिता। एलओसी पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत का भारतीय दावा मुस्तरद। भारत की कंट्रोल लाइन पर फिर फायरिंग, खातून जख्मी। भारत का एक और इल्जाम गलत साबित। उड़ी हमले के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कल पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुस्ताखाना मवाद वाली वेबसाइट्स ब्लॉक करने का हुक्म। इतना संगीन मामला है किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। वजीर आजम को भी बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की एंकर बनने की खबरों की तर्दीद। खरा सच विद मुबशर लुकमान में अहम इंकशाफात। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज पर। कराची का कूड़ा उठाने के लिए मेयर वसीम अख्तर की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। शहर कायद में गंदगी के ढेर जूं के तूं। क्या यूनिफॉर्म बदलने से कल्चर बदलेगा? पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला। एहलकार अब काली की बजाय ग्रीन यूनिफॉर्म पहनेंगे। पहले लाहौर पुलिस को वर्दी मिलेगी। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, सर्दी ने फिर डेरे डाल लिए। लाहौर फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। मरी समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 के तरबियती कैंप के लिए 31 खिलाड़ियों का ऐलान। कामरान अकमल की वापसी, उमर अकमल, शुएब मलिक, अहमद शहजाद और अजहर अली भी शामिल।